हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डॉक्टर आलम सर्विसेज। आई एम मोहम्मद वैसालम, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है नीट 2024 काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन जो है वो आ चुका है और उसके अकॉर्डिंग अब कोई भी रीनीट नहीं होना है। अब ये फाइनल अपडेट है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो एक फिजिक्स वाला क्वेश्चन था उस कंट्रोवर्सी को सॉल्व कर दिया गया है, जिसके तरीके से जिन स्टूडेंट ने भी डी ऑप्शन लगाया था उनको +5 मार्क्स मिलेगा और जिन्होंने गलत किया था उनको -5 मार्क्स मिलेगा। तो ये तो था सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। तो ये जो वीडियो मैंने कल बनाई थी उसमें बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी थी, मेनली नीट 2024 के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग, क्योंकि जो परसों हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तब उस टाइम NTA की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था कि जो काउंसलिंग है वो 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आया है, नोटिफिकेशन नहीं आया, तो इस वजह से स्टूडेंट की ये क्वेरी उठ रही थी कि काउंसलिंग जो है कब से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर ये NDTV की तरफ से जो है आर्टिकल पब्लिश हुआ था, आप इसमें देख सकते हैं, जिसमें बोला गया था एक्सपेक्टेड जो काउंसलिंग है 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या रहने वाली है और इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे आपको, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होगा काउंसलिंग का उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, कैसे करना है, ये पूरा प्रोसेस जो है मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके काउंसलिंग में लगेंगे, ताकि आप जो है पहले ही उन सभी डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके और तैयारी करके रख लें। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सपेक्टेड डेट की बात करते हैं और फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की तरफ जाएंगे जो ऑफिशियल MCC की तरफ से आया है उसके बारे में। तो सबसे पहले तो अभी डेट की बात की जाए तो MCC का अभी रजिस्ट्रेशन की डेट को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड है अगले 2 दिन के अंदर जो है नोटिफिकेशन काउंसलिंग से रिलेटेड आ जाएगा और फिर उसके 8 दिन के अंदर ही जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो कल भी मैंने वीडियो में बताया था उसमें स्टूडेंट पूछ रहे थे कि इतना लंबा क्यों, क्योंकि डिले बीच में रहना ही है, क्योंकि इस बीच में जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होती है उससे 5 से 8 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आता है, तो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसके 5 से 8 दिन बाद मान के चलो कि आप काउंसलिंग स्टार्ट होगी MCC की, और फिर उसके बाद स्टेट वाली जो है जब MCC की स्टार्ट हो जाएगी काउंसलिंग तो उसके 8 दिन के बाद यानी 1 वीक के बाद जो है स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि आपको पता होगा पहले ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड होता है, फिर स्टेट का फर्स्ट, फिर ऑल इंडिया का सेकेंड, फिर स्टेट का सेकेंड, फिर उसी तरीके से जब MCC और स्टेट की नीट काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो उसके लगभग 8 से 10 दिन बाद मिनिमम आप जो है मान के चलें कि 15 दिन तक इसमें लग सकते हैं, उसके बाद जो है AIQ की AAACCC आयुष वाली काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी 15 दिन मान के चलो जब MCC का काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है उसके बाद। तो जैसे ही MCC की काउंसलिंग स्टार्ट होगी उसके 15 दिन के बाद जो है आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी BAMS, BHMS और BMS के लिए, फिर उसके 8 दिन बाद जो है स्टेट की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी रेस्पेक्टिव स्टेट के लिए। बाकी इन सभी कोर्सेज की MBBS, BDS, BSc नर्सिंग, BMS, BHMS और BUMS की कट ऑफ्स वगैरह सब कुछ चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख लें, सभी स्टेट वाइज ऑल इंडिया कोटा सब कुछ आपको कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, और उसके साथ ही हमारे चैनल पर पेड काउंसलिंग भी कराई जाती है जिसका अभी लोएस्ट प्राइस है, इतना लोएस्ट अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, जिसमें गाइडेंस का जस्ट 1200 रुपीज़ है और कंप्लीट प्लेटिनम प्लान जिसमें फॉर्म भी हम फिल करते हैं उसका 3500 रुपये चार्ज है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं जो भी लोग चाहें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं जो ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन होगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आपको काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। यह है 2023-24 वाला इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो काउंसलिंग से रिलेटेड MCC की तरफ से आया था। तो इसमें अगर देखा जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए MCC काउंसलिंग का, तो यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो जो आपने नीट के फॉर्म में फिलअप किए थे डॉक्यूमेंट्स, यानी जो NTA का फॉर्म भरा था आपने, जिसका आपने जो है रजिस्ट्रेशन किया था यानी नीट एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगे थे जिसमें आपका फ़ोटो हो गया, आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई, आपकी 11th-12th की डिटेल्स हो गई और जो आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, तो ये चीज़ें जो आपकी लगी थी वही सेम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में लगने वाली हैं, कोई एक्स्ट्रा आपके जो डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर नहीं लगेंगे, जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारे आपके जो है एडमिशन के टाइम पर ज़रूरत होती है, जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट हो गया, आपका बॉन्ड सर्टिफिकेट हो गया, एफिडेविट हो गया और आपका अदर सर्टिफिकेट हो गए, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, EWS सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, SC ST सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ये सभी के सभी जो है आपको कब ज़रूरत पड़ती है जब एडमिशन होता है, तो सिर्फ इसमें जो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है वो आपकी रजिस्ट्रेशन में मांगी जाती है। फिर रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाता है फिर उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग के बाद आपका अलॉटमेंट होता है, अलॉटमेंट में आपको जो भी कॉलेज अलॉट होता है उसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उनकी मैं लिस्ट आपको एक बार दिखा देता हूँ अभी। तो यहाँ पर यह है 32 नंबर पर आप देखेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए जब आप कॉलेज में रिपोर्ट करते हैं या ज्वाइन करते हैं,
वही डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल, उसकी फ़ोटो कॉपी आपको जो है अपलोड करनी पड़ेगी, स्कैन कॉपी जो पोर्टल मिलेगा आपको एमसीसी का आपके अलॉटमेंट के बाद। तो आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाता है उसके बाद आपको जो है ऑनलाइन अपलोड करना होगा, जिसमें आपको ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद जो है आप कॉलेज में जाके रिपोर्ट करेंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे इसमें, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ 3 अटेस्टेड फोटोकॉपी भी चाहिए, जिसमें क्या क्या होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट्स में। सबसे पहले आपका अलॉटमेंट लेटर जो एमसीसी की तरफ से आपको मिलेगा, यानी जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। दूसरा आपका एडमिट कार्ड जो आपने एनटीए की तरफ से डाउनलोड किया होगा। और तीसरा, और कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने का एनटीए का जो एडमिट कार्ड था वो अभी नहीं होगा, तो वो जाकर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने ऑलरेडी डाउनलोड दोबारा किया है। और अगर वेबसाइट फंक्शन ना हो, नॉर्मली फंक्शन रहती है, अगर ना हो तो आप एनटीए को मेल करेंगे, वो फिर से जो है पोर्टल खोल देते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा होता है कि उनको एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा होता है। रिजल्ट कार्ड आपको अपना डाउनलोड करना होगा। हाँ, अभी जो रिजल्ट है वो आज शाम तक एक्सपेक्टेड है। जैसी कोई अपडेट आएगा मैं वीडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। और पूरा जब काउंसलिंग का कोई भी अपडेट आता है रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग, तो आपको पूरा अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। तो सब लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ, पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस और पूरा रजिस्ट्रेशन लाइव आपको करके दिखाया जाएगा। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी चाहिए, जिसमें अगर आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन है तो आप मतलब सेम होना चाहिए आपकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट में। क्लास 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपको 12th की मार्कशीट भी लगेगी, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। एक चीज़ ध्यान रखनी, जो भी फोटो हैं वो सेम होने चाहिए, जो आपने नेट रजिस्ट्रेशन में फॉर्म भरा था उसमें जो फोटो लगाए थे वही सेम लगेंगे यहाँ पर। और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी एडमिशन के टाइम पर लगेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट जो चाहें इसमें से लगा सकते हैं। अगर NRI स्टूडेंट हैं तो आपको पासपोर्ट कॉपी, स्पॉन्सर या एम्बेसी सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा, स्पॉन्सरशिप्स एफिडेविट लगाना होगा, रिलेशनशिप एफिडेविट लगाना होगा फॉर OCI या फॉरेन नेशनल कैंडिडेट के लिए। जो वहाँ का कार्ड नंबर है, डॉक्यूमेंट है, वो आपका ज़रूरी है, यानी यहाँ पर ज़रूर लगेगा। कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग फॉलोइंग सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। इसके बाद अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हैं, फॉर एग्जाम्पल SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपका जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे बना हुआ होना आपका चाहिए। किस फॉर्मेट में होना चाहिए वो जैसे ही एक अपडेट आएगा MCC की तरफ से, तो पूरा फॉर्मेट बताया जाता है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा, उस टाइम पर आप डिटेल में देख लेना। OBC का सर्टिफिकेट जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जितने भी स्टूडेंट डिसेबिलिटीज यानी PWD से बिलोंग करते हैं, तो उनका जो है स्पेसिफिक सेंटर्स पे ही बनेगा, वही मान्य होगा। उन सेंटर की लिस्ट जो है अभी फिर से MCC के पोर्टल पे आएगी, तो जैसी कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। EWS सर्टिफिकेट आपका स्पेसिफिक फॉर्मेट में होना चाहिए, जो इसमें भी दिया हुआ है। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी कि काउंसलिंग के टाइम पे आपको टोटल कितने डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, वो लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। आप उसके हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रख लो जब तक काउंसलिंग स्टार्ट होती है। तो आप जो इन सभी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ से फोटो ले सकते हैं, नीट एडमिट कार्ड, नीट का फॉर्म, और अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर आप एफिडेविट भी लगवा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंपलसरी नहीं होता है। नीट स्कोर कार्ड यानी एडमिशन जो आपका रिजल्ट कार्ड है, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। कुछ जगह पर ऐसा होता है 10th और 12th का दोनों एक ही पासिंग सर्टिफिकेट रहता है, तो वहाँ पर आप एक लगा देंगे। ID में आपको कोई भी इसमें से लगा सकते हैं, 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, TC और माइग्रेशन, ये जो चीज़ें हैं ये आपके एडमिशन के टाइम पर ही जरूर पड़ेगी। गैप सर्टिफिकेट हो गया, तो गैप सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं है कि आपने, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 12th कंप्लीट किया और फिर बीच में एक दो साल का गैप किया लेकिन कोई कोर्स उसमें एडमिशन नहीं लिया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एडमिशन लेंगे किसी कोर्स में तभी आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। किसी भी तरीके से अगर आपका गैप है, यानी आपके 12th कंप्लीट करने में और इस साल नीट देने में एक भी साल का गैप है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। इसका नॉर्मल सा फॉर्मेट होता है कि आपको लिखना है उस सर्टिफिकेट पर कि मैंने इस समय से लेकर इस समय तक अपनी नीट की तैयारी की थी, या अगर कोई कोर्स कंप्लीट किया तो कोर्स वगैरह लिखवा देंगे और उसमें लिख देंगे कि मुझे नीट में एडमिशन के लिए ये गैप सर्टिफिकेट बनवाना है। किसी भी कॉलेज का स्पेसिफिक नाम ना लिखें, एक ही सर्टिफिकेट जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा उसमें चल जाएगा, एक जनरल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। बाकी इसमें मैं डिटेल में बता दूंगा अगर आप चाहें कि कैसे गैप सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ये एक ही दिन में 5 से 10 मिनट का काम होता है, आप जो है जाकर तहसील में बनवा सकते हैं। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, अब ये हर जगह पर ज़रूरी नहीं होता है, कुछ जगहों पर जो आपका बोर्ड है उसको इक्विवेलेंट करने के लिए आपको इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। मोस्टली UP बोर्ड, CBSE बोर्ड यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका कोई भी है तो आपको लगाना होगा, EWS सर्टिफिकेट अगर आप उसके लिए एप्लीकेबल हैं, इनकम सर्टिफिकेट आपका लगेगा, PWD सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल हैं, हेल्थ सर्टिफिकेट। अब हेल्थ सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि आपको अलग से बनवाने की ज़रूरत नहीं है मोस्टली स्टेट्स में, कुछ जगह पर होता है जहाँ पर अलग से बनवाना होता है, बाकी जैसे UP हो गया, तो यहाँ पर आपका जब एडमिशन होता है तो कॉलेज में जाके वहाँ पर खुद से हेल्थ सर्टिफिकेट बन जाता है, उसी टाइम पर बना देते हैं। बॉन्ड सर्टिफिकेट, ये भी आपका जब कॉलेज में आप एडमिशन के लिए पहुंचेंगे तो वहीं पर आपसे फॉर्म भरवाया जाता है। जो भी अब अलग अलग कॉलेज में बॉन्ड होता है, किस कॉलेज में कितना बॉन्ड है, किस टाइप का बॉन्ड है, तो वो वेरी वर्क कर सकता है।
तो जिस ट्रैक पे अभी बॉन्ड होगा वो एडमिशन टाइम पे भर दिया जाएगा। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी ऑल इंडिया कोटा में तो जरूरत है नहीं, लेकिन जो स्टेट कोटा की आप काउंसलिंग करेंगे उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। इसके अलावा आपकी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जरूर अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।